चलिए सबसे पहले हम एज प्रेजेंट का जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों फेस्टिवल हर साल आते हैं, साल में कई बार आते हैं, साल में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और हर साल आते हैं, लेकिन जिंदगी में जो सक्सेस का फेस्टिवल होता है ना वो जिंदगी में एक दो या तीन चार बार बन जाता है और एक अच्छे इंसान की जिंदगी में आता है तीन चार बार, कुछ हमारे आपके और हमारे जैसे लोगों की जिंदगी में एक दो बार ही मुश्किल से आता है। और उसका रीजन भी हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन कोई और नहीं होता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है, अच्छा हर फेस्टिवल के अंदर एक पर्टिकुलर लगभग सबके साथ है, हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ा कॉमन सी चीज है, हर घर की कहानी, हर घर घर की कहानी लाइक चीजें होती है, कैसे होती है वो बताता हूँ आपको। त्योहार आया, मान लीजिए दीपावली आ रही है, आप दीपावली में बाहर पटाखे फोड़ने जा रहे हैं, इतनी ही देर में आपका कोई रिलेटिव आ गया, आपने पैर छुए प्रणाम किया, वो आपके घर के अंदर गया, अब आपको टेंशन पता है क्या हो रही है, पटाखे चलाने की नहीं हो रही है, सोच रहे होंगे कि घर के अंदर पटाखे कैसे चल रहे हैं, क्योंकि पटाखे क्या बोलेगा, अच्छा क्या कर रहा है, अच्छा अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छा ये वाले एक्सप्रेशन आते हैं इस वक्त, एक्चुअल में वो एक्सप्रेशन उसको हर व्यक्ति समझता है, आने वाले एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेरा बेटा तो आज वहां काम कर रहा है, अच्छा कुछ कर रहा है तो नहीं कर रहा, कुछ सच्चाई तो होगी, बात फैक्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा रिलेटिव भी वही आते हैं उस टाइमिंग में जिनका कुछ हो रहा होता है, वो बताने आते हैं, अच्छा हमारे तो अच्छे, अरे शर्मा जी का बेटा तो वहां लग गया, और वर्मा जी का बेटा तो इतना कमारा, बेटी साहब क्या कमाती है, उसके तो अर्निंग उसको बड़ी कंपनी में ले लिया उसको, और उसकी तो गवर्नमेंट जॉब लगी पता ही नहीं चला था, बड़ा बहुत कमाल की बच्ची है, ऐसे ऐसा आपका बेटा, अच्छा टेंशन किस बात की होती है, हमें बाहर पटाखे चला रहे होते हैं हमें टेंशन किस बात की, हमें इस बात की टेंशन होती है यार अंदर जाऊंगा तो पटाखे फूटेंगे, बाहर के पटाखों की टेंशन खत्म हो चुकी होती बाहर के पटाखों की टेंशन खत्म हो चुकी होती है, अंदर के पटाखों की टेंशन होती है, घर जाऊंगा और पटाखे फूटेंगे। अब सबसे बड़ी कमाल की बात दोस्तों, उन पटाखों से फूटने के लिए उनमें कहीं कोई हर जगह ताने होते हैं, आप सफल होंगे ना, आपके पीछे कहानियां बनाते हैं लोग, इतनी कहानियां बनाएंगे कि आपको ये समझने में दिक्कत आएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है, आपको खुद की कहानियां भी ऐसी लगेंगी पता नहीं किसकी कहानी, क्योंकि उसमें पता नहीं कहानियां बनती हैं एक्चुअल में, और आप असफल हो गए ना तो ताने होंगे, गिले सिक्के होंगे, और इतनी घी डाल के जाते हैं सब रिलेटिव कि ऐसा लगता है फेस्टिवल मन गया फेस्टिवल। तो दोस्तों याद रखिए, फेस्टिवल हर साल आते हैं, साल में कई बार आते हैं, लेकिन रियल फेस्टिवल सफलता का वो जिंदगी में एक दो बार आता है हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए, और उसके लिए एक काम करना पड़ता है, वो काम क्या है, रेगुलर रहना, फेस्टिवल्स को मनाइए, दिल खोल के मनाइए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करिए अपनी स्टडी को, उसके साथ ईमानदारी बरती है तो आपको आपका अचीवमेंट मिलेगा, तो आपको आपकी सक्सेस मिलेगी, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। फिर चलते आगे बात करते हैं, हम ये सोचते हैं हमें तो बड़ा दर्द है परेशानी है, या दर्द किसकी लाइफ में नहीं होता, दर्द है ना तो उसको ताकत बनाइए, तड़प है उसको जीतने की तड़प में बदल दीजिए, गुस्सा है जुनून में बदल दीजिए, कहना और करने में बड़ा अंतर होता है, मैं जो कह रहा हूं उसको करने में लिए बहुत दम चाहिए, और वो दम आपके अंदर है। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको जिंदगी में चार पांच बार सक्सेस का मुंह देखने को मिलता है, हम और आपके जैसे लोगों को एक दो बार सक्सेस मिल जाए दैट्स एनफ, और जैसे ही सक्सेस हुई फिर वही बात, सक्सेस हुई लोग कहेंगे अरे साहब बाप का जैसा बेटा तो बड़ा मुश्किल, ऐसे घर वाले बड़ी तारीफ करेंगे, लोग आपकी सुनना शुरू कर देंगे तो हमारा एक्चुअल फेस्टिवल सक्सेस है, और जिसको मनाने के लिए आपको किसी का इंतजार नहीं करना है, आपको केवल अपना इंतजार है, और आपको इस चीज को समझना चाहिए कि आपको अपने आप से कितनी देर मुंह मोड़ोगे। दूसरी बात,
आराम से कर लेंगे, अभी तो बहुत वक्त है। याद रखिए, आराम से केवल आराम होता है, आराम के अलावा आराम से कुछ नहीं होता। क्योंकि एक जो कभी घड़ी की तरफ देखिए, सिर्फ 2 मिनट निकालिए, घड़ी की तरफ बैठिए, देखिए और बैठिए और देखिए उसको, और उसमें देखिए जो टिक टिक उस सेकंड वाली सुई करती है, तो जब भी वो एक टिक करती है तो एक सेकंड चली जाती है और वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी। और वो जो सेकंड गई ना, वो गई, वो नहीं आने वाली वापस। और वो वक्त निकल गया ना, वो वापस नहीं आएगा। जो उस वक्त को यूज कर रहा है, जो उस वक्त को अचीव कर रहा है, जो उस वक्त की इज्जत कर रहा है, वक्त उसकी इज्जत करता है। आप वक्त की इज्जत करना सीखिए, आप समय की इज्जत करना सीखिए, समय आपकी इज्जत करेगा। हो सकता है आज आपका वक्त नहीं, हो सकता है आज आपका वक्त नहीं, लेकिन वक्त है, आएगा, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर समय को बर्बाद करेंगे, समय आपको बर्बाद करेगा। समय को बर्बाद मत करिए। फेस्टिवल्स मनाइए, लेकिन इस तरीके से मनाइए कि रियल फेस्टिवल की चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अपने रियल अचीवमेंट को मत भूलिए। आपका रियल अचीवमेंट, आपकी सक्सेस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, और वो ऊपर वाला है। मैं उस पर बड़ा बिलीव करता हूं। ऊपर वाला किसी की मजदूरी नहीं रखता। आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। किसी की मजदूरी नहीं रखता। हो सकता है इस रूप में नहीं, किसी और रूप में मिले, लेकिन मिलता है। मैं यह खुद एक्सेप्ट करता हूं, मेरे रियल लाइफ के अनुभव से मैंने फील किया है, वही मैं आपको बताता हूं। मेहनत करिए, ये मत सोचिए कि मुझे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यहां नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा। हारिए मत। जिंदगी में इंसान अकेला पैदा होता है और अकेले ही जाता है, कोई साथ नहीं होता। ये जिंदगी एक गेम की तरह है, यहां आना है, खेलना है, जब तक जीना है जब तक खेलना है। लोग आते हैं, कुछ पहले आउट हो जाते हैं, कुछ बाद में चले जाते हैं, जो आपके बाद तक लड़ते हैं, लेकिन जब तक आप हैं आपको लड़ना है। आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। जिंदगी को हंसकर लड़िए, आप जीतने के लिए तैयार हैं। आप जिंदगी से हार जाइए, जीते जी हार जाएंगे, कोई सेंस नहीं है उसका, ऐसे जीना जीना नहीं। डेफिनेटली मेरी बातें, हो सकता है आपको शायद कुछ जगह अच्छी ना लगी हो, उसके लिए मैं एडवांस में माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन ये मेरी रियल लाइफ के अनुभव थे जो मैं आपके साथ वक्त दर वक्त शेयर करता रहूंगा। जब भी मेरी आपको जरूरत हो डेफिनेटली मुझे याद करिएगा, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन बच्चों, प्रिपरेशन करिए, रियल फेस्टिवल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, रेगुलर रहिए और बस आगे बढ़िए अपनी रियल सक्सेस के लिए। गुड लक। थैंक यू।